यो मेरे दोस्तों, कैसे आप सभी लोग एंड वेलकम बैक टू यूटीएस व्लॉग्स। तो गाइस, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग एक माउस पैड की। और स्पेशल बात ये क्योंकि अभी आपको पता है गणपति का सीजन आने वाला है। आज 17 अगस्त और गणपति 22 अगस्त को आने वाला है। तो आज 17 है तो फिर हम लोग ने सफाई करना चालू कर दिया था और मेरे मम्मी को एक माउस पैड मिला था, मतलब मेरी मम्मी ने एक माउस पैड लिया था और वो मम्मी ने मतलब मेरे पापा ने लिया था और पापा ने अभी यूज़ नहीं किया कभी, मम्मी ने भी यूज़ नहीं किया। तो कल सफाई हो रही थी तो मेरे मम्मी पापा को माउस पैड मिला तो मेरे मम्मी पापा ने सोचा कि वो मुझे दे दे, तो मैंने अभी तक उसको खोला नहीं है। तो आज उस माउस पैड की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो ये वीडियो स्टार्ट करो उससे पहले आप जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलेगा, शुरू करते हैं। तो गाइस, ये आगे हूँ मैं और ये रहा वो माउस पैड जिसकी मैं बात कर रहा था। तो ये उस टाइप के माउस पैड नहीं है, ये मतलब मेरी मम्मी ने बहुत पहले दिया था। तो ये इस टाइप का माउस पैड है कुछ। वो अभी जो माउस पैड आते हैं उसमें लाइट भी जलती है और वो थोड़े कलरफुल रहते हैं और साइड साइड में प्लास्टिक नहीं रहता, वो सीधे रबर के होते हैं। वो तो आप इसमें देख सकते हो। इसका सबसे पहले तो इसका नाम है माउस पैड कैलकुलेटर, मतलब इधर देखो मैंने बताया था ना, इधर कैलकुलेटर भी है इसमें। और ये देखो इधर ये जो है ये सोलर पैनल है, इससे ये चार्ज होता है। और इधर वो डिजिट्स दिखेंगे और टाइम भी शायद बताता है, ये पता नहीं टाइम तो नहीं बताता है। वैसे हाँ टाइम बताता था। और ये देखो इसमें लिखा 8 डिजिट, मतलब इस टाइप का डिजिट में दिखाएगा वो। और ये है डुअल पावर, तो मतलब डुअल पावर मतलब दो दो टाइप के पावर्स है इसमें। और ये आप देख सकते हो कितने सारे चीज़ें लिखे हैं, मुझे पता नहीं। अच्छा, ये वो लिखे हैं क्या बोलते हैं ऑपरेशन लिखे हुए हैं ये, मतलब जो हमारा माउस पैड में जो कैलकुलेटर दिया हुआ है उसमें मतलब थोड़े बहुत टाइप्स के सम्स दिए हुए हैं, तो ऐसे वो उसका कोई काम नहीं। और आप देख सकते हो कितना पुराना हो चुका है, पीछे से भी खुल रहा है ये बहुत। और देख रहे हो थोड़ा बहुत इसमें दाग भी है, थोड़े बहुत छेद भी है और तो पट्टी है, पैसा पता चल रहा है। ये आ गया हमारा भाई अनबॉक्सिंग वाला चाकू, बहुत डेंजर। अब से इसका नाम रहेगा डेंजर। चल डेंजर, खोल दे मेरे माउस पैड के डब्बे को। तो खोलते हैं अभी, मैं आपको थोड़ा और पास लाता हूँ इसके ताकि आप अच्छे से देख पाओ। अभी आप इसको एकदम फुल्ली अच्छे से देख सकते हो। और अगर आपको पता नहीं कि ये कौन है तो मैं आपको बता दूंगा इस ये वीडियो के लास्ट में। चलो अभी बता देता हूँ, मैं बताता हूँ ये है मैं, मतलब ये मैं ही हूँ। मैं जब मैं छोटा था तो मेरे बाल इतने ही बड़े थे, तो ये मेरा फोटो है बचपन का। और ठीक है, अभी चलो अनबॉक्स करते हैं जल्दी से। चलो अभी डेंजर, हमारा इस चाकू का नाम है डेंजर। तो डेंजर भाई खोल दे हमारा माउस पैड का डब्बा। 3 2 1 चलो खोलते इसको। चलो खुल चुका है और कोई है टेप नीचे से नीचे नहीं खोला। तो 3 2 1 ओ भाई साहब, ओह शिट, ओह अरे डब्बे हट जा साइड। तो गाइस आप देख सकते हो ये माउस पैड कितना मस्त है, ओ वाह मस्त है। आप पीछे देख सकते हो, पीछे कुछ इस टाइप का है और देख सकते हो कितना गंदा हो चुका है ये, बहुत पुराना है ये। और ये रहा वो कैलकुलेटर और ये रहा वो सोलर पैनल जिससे ये चार्ज होगा। और इधर वो डिजिट दिखेंगे और इधर ऑन ऑफ करने का भी। ओए ओ गाइस आप देख सकते हो इधर थोड़ा बहुत जल रहा है अभी। ओ हाँ, वैसे ये यूज़ नहीं हुआ है बहुत दिन से, इसलिए थोड़ा बहुत तो चार्ज रहेगा। ये आप देख सकते हो उसमें दिख रहा है, ये देखो दिख रहा है ना। और ये रहा है वो, देखो आपको 1 2 3 4 पूरा लिखा हुआ है, डिवाइड मल्टीप्लाई सब कुछ है। और ये मुझे पता नहीं ये इस टाइप के किसके लिए है। और आप पीछे भी देख सकते हो ये रबर टाइप के ऐसे होते हैं ताकि ये मतलब ये माउस पैड को होल्ड करने के लिए होते हैं, मतलब जैसे हम लोग ने ऐसे अपने माउस पैड को ऐसे रखा है और मतलब ये चाकू आ गया, माउस पैड को ऐसा रखा है तो वो जो नीचे जो थे वो बहुत सारे थे तो वो रबर के हैं, तो रबर को हम जैसे ही घिसते हैं तो आपको पता है वो रुक जाता है। तो इसमें भी रबर है तो ऐसे घिस रहे हैं तो एकदम थोड़ा थोड़ा हिल रहा है वो, तो मस्त भाई सही है माउस पैड ये। और क्या बोलूँ मैं इसके बारे में। और ये देख सकते हो वेलकम टू APRM
वेलकम APRM टू इटली। APRM मुझे पता नहीं, शायद मेरे मम्मी के एक टीम का नाम था, हाँ वही होगा। और ये मेरी मम्मी लाई थी इटली से, तो भाई सही है, इसको ऑफ कर देते जल्दी से। अभी ऑफ नहीं हो रहा। तो भाई मेरे हिसाब से तो सही है, एक बार जल्दी से आके मैं टेस्टिंग कर लेता हूँ अपनी माउस के साथ ही, ये कैसा है, चलता है कैसा। और ये आगे हमारा वही लॉजिटेक का माउस जिसको मैंने अनबॉक्स किया था, ये देखो ये है वही माउस लॉजिटेक का हमारा। तो अभी इसको चलाते हैं। ओ भाई सब सच्ची में यार बहुत स्मूथ चल रहा है यार, देखो देखो कितना बहुत स्मूथ है ये। ओ बस ये बात है कि इसका स्पेस थोड़ा छोटा है, देखो ये माउस ही इतना ज्यादा जगह ले रहा है, खाली इतना सा ही जगह बचा हुआ है हम लोग को ऐसा करने के लिए। तो भी चलता है भाई, एडजस्ट कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है भाई। सही है यार ये, मतलब सीरियसली बोल रहा हूँ इतना स्मूथ है ना, मैं कैसे बताऊँ यार आपको, सच्ची मुझे नहीं समझ आ रहा मैं कैसे बताऊँ सीरियसली भाई सच्ची में। ओए मुझे लगा माउस, ओ माउस पैड के अंदर कुछ तो चालू है, पता नहीं क्या है। पहले इसको कम जूम कर लेता हूँ, थोड़ा मैंने कुछ ज़्यादा ही जूम कर रखा है इसको, हाँ ठीक है। तो आपने देख ही लिया कि ये इस टाइप का माउस पैड कैसा रहता है, इसकी एक बार कंपनी देख लेता हूँ मैं, ताकि अगर आपको भी लेना। अरे भाई ये देखो, मतलब कि भाई हर चीज़ मेड इन चाइना होती है भाई, क्यों दिमाग ख़राब कर रखा है चाइना ने। एक तो कोरोना की वजह से और घर पे बैठे हुए हैं, दिमाग खराब कर दिया यार भाई। मस्त है यार माउस पैड, सच्ची में बता रहा हूँ बहुत सही है। तो आज मैंने आपको ये दिखा, एक मिनट इधर शायद कंपनी लिखा है, बैटरी सोलर सेल नाम की कोई चीज़ लिखी है इस पे, पता नहीं क्या है। डुअल पावर कैलकुलेटर पता नहीं क्या है यार। और ये देखो यही है वो रबड़ वाली चीज़ जिसकी मैं बात कर रहा था, ये देखो यही सब है वो चीज़ें। तो भाई मेरे हिसाब से तो बहुत सही माउस पैड है, मैं इसको दूंगा 5 स्टार, फुल दूंगा 5 स्टार, नहीं 4 स्टार दूंगा, क्योंकि इसका एरिया थोड़ा कम है तो मैं इसको 4 स्टार देने वाला हूँ, बाकी तो सब कुछ इसमें सही है। तो आज मैंने आपको ये दिखा दिया कि इस टाइप के माउस पैड कैसे होते हैं, आप भी ले सकते हो। और ये इसमें ये जो है ये इस टाइप के माउस पैड में इधर जो मैंने ये लिखा हुआ है वेलकम, मतलब मैंने नहीं लिखा हुआ वेलकम APRM टू इटली, ये जो लिखा है इसके जगह पर एक आर्म रेस्ट वाला एक चीज़ भी आता है, मतलब पहले से इसमें फिक्स्ड रहता है, वो दूसरे माउस पैड्स में होगा शायद, मुझे लगता है मैंने देखा है अमेजोन पे ऐसे हम लोग करते हैं, तो इधर आर्म रेस्ट के लिए मतलब स्पंज टाइप चीज़ लगा हुआ रहता है ब्लैक कलर का, तो वही है ये चीज़। तो भाई आपको मैंने दिखा दिया कि ये कैसा माउस पैड, आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट में जाके ज़रूर बताना। तो आज तो फिर बाय गाइस, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, और ये वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये माउस पैड कैसा लगा। तो फिर बाय गाइस, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।